ये को शांति धाम नहीं कहा जाता। सारा वातावरण खराब कर रामदेव राम सेतु राम। हाँ जी हाँ जी बनवाया। रोज क्लास कर रहे हो? रोज क्लास करते हो? नहीं करते हो तो बार 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 वही प्रश्न आ रहे हैं। चार छह बार इसका बात समझा दी। राम से तो कोई दूसरा नहीं है। राम वाली आत्मा ने जो ज्ञान का पुल तैयार कराया और उस पुल पर पड़े हुए पत्थरों के सहारे सहारे जो ज्ञान राम संप्रदाय से रावण संप्रदाय में पहुंच रहा है और राम सेतु के द्वारा पहुंच रहा है। दो पार्टियां हो गई। रावण संप्रदाय वाले चाहेंगे कि राम की सेना और वो राम का ज्ञान रावण की लंका में प्रवेश करे, चाहेंगे नहीं चाहेंगे? तो आज की जो गवर्नमेंट है वो राम सेतु की संरक्षक है या विरोधी है? विरोधी है। और जनता पार्टी रक्षक है, परंतु दोनों ही भक्ति मार्ग की दुनिया में। मीटिंग यहाँ होती है, ज्ञान रत्नों का पुल बन चुका है। सारी दुनिया डीवीडी कैसेट रावण संप्रदाय में पहुंच रहे हैं। उससे उनको घाटा हो सकता है या मुनाफा हो सकता है? घाटा हो रहा है। ये वो नहीं चाहते कि राम सेतु बना रहे हैं। क्या चाहते हैं? राम सेतु टूट जाना चाहिए। अलाउद्दीन वो बंदरों ने अपने हाथों से वो पत्थर तैराए सागर में। उन पत्थरों के लिए ये विशेषता बताई गई कि इनके हाथों से जो पत्थर तैराए जाएंगे वो डूबेंगे नहीं। सागर में उतराते रहे, तैरते रहे। रामकृष्ण की आत्मा ही नल नील है। इनके बुद्धि रूपी हाथों से जो पत्थर बुद्धि आत्माएं एडवांस ज्ञान में तैर रही है वो पुल तैयार कर रही है, संगठित होकर। और बाबा झाड़ के चित्र में जो विदेशी विधर्मी आत्माएं उनकी तरफ
महात्मा गांधी और विवेकानंद का चित्र जो बना है उसका तात्पर्य क्या है? महात्मा गांधी का भी चित्र बना है, विवेकानंद का भी बना है। कौरव संप्रदाय थे या पांडव संप्रदाय थे? कौरवों के मुखिया का नाम क्या है? हाथ की दुनिया। अच्छा, शास्त्रों में नाम क्या है? धृतराष्ट्र। स्वतंत्रता संग्राम से पहले और स्वतंत्रता संग्राम के बीच सारे राष्ट्र को अपनी मुट्ठी में लेना कौन था? धृतराष्ट्र। क्या नाम था? तो शास्त्रों का नाम हुआ। व्यक्ति का नाम क्या था? महात्मा गांधी। सारे देश को अपनी मुट्ठी में लिया हुआ था। गीत भी बनाया, 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले। ये तो लौकिक दुनिया की बात हुई, लेकिन शास्त्रों में जो धृतराष्ट्र और गांधारी नाम आया हुआ है, जो हस्तिनापुर का राजा था, इसका नाम क्या दिया? राज्य का नाम क्या दिया? हस्तिनापुर। दे अभिमानी हाथियों का पुर। युगंत में क्या हो जाते हैं सब? आप दे अभिमानी हाथी हो जाते हैं। उनके राज्य का मुखिया धृतराष्ट्र, इसने सारे राज्य की धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में लिया हुआ था। यज्ञ के आदि में सारे यज्ञ की बागडोर किसके हाथ में आ गई? धृतराष्ट्र कौन हुआ? है? गांधारी कौन हुई? जो अंधी थी नहीं। अंधी थी नहीं, लेकिन जानबूझ करके पट्टा बांधा हुआ था। माया बेटी। ऐसे नहीं कि माया बेटी जानती नहीं थी कि मेरा बाप कौन, लेकिन ना बाप का परिचय खुद लेती थी और ना दूसरों को लेने देती। शंकर के साथ गंगा को भी दिखाया और अष्टदेव को भी सूर्य में दिखाया। हाँ जी। पार्वती को भी दिखाया। हाँ जी। और दुर्गा के लिए पटरानी बोला, उनको भी दिखाया है? लेकिन जो शंकर को योगीदास ने कहा, हाँ, तो योगीदास के साथ जो योगी बहन है उनका गायन क्या है? अभी तो बोलते जा रहे हैं कि अष्टदेव सर के ऊपर बैठे हुए, कैसे भी इनको सर पर चढ़ा रखा है, है? इनको इतनी तरजीह दी है कि जैसे सर के ऊपर चढ़ाए रखा है। इनको बहुत महत्व दिया जाता है, बहुत प्यार किया जाता है, तो प्यार में आकर के सर के ऊपर चढ़ा के बैठते हैं बाप। तो बहुत सहयोगी बने होंगे। और राक्षस थे, हाँ,
वो लौकिक भाषा है, उसमें ब्रह्मपुत्री नदी नाम आया है। जैसे लौकिक भाषा जो है शास्त्रों की, उसमें प्रजापिता नाम है या प्रजापति नाम है? प्रजापति नाम है। ये संपूर्ण स्टेज का नाम है, अंत का गायन है या आदि और मध्य का गायन है? अंत का गायन। आदि में प्रजापिता और अंत में प्रजापति। ऐसे ही जो आदि में ब्रह्मपुत्र है माने रुद्रमाला का मुख्य मणका है, फीमेल्स के बीच में, कोई जब विजयमाला से संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, उसका नाम अंत में पड़ता है ब्रह्मपुत्री महालक्ष्मी। अभी तो बताया कौन हो संप्रदाय, पर आपने जैसे बताया कि पूरे हाँ, तो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं उनके गोद में पलती रही ना, सभी धर्म की आत्माएं तो उनकी गोद में पली है ना। महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी ने हिंदू मुसलमानों को सबको अंदर बैठा लिया कि नहीं? विवेकानंद भी ऐसे ही उन्हें भी बड़े बड़े पंडित विद्वान आचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कृपाचार्य ये कौरव संप्रदाय के थे या पांडव संप्रदाय के? अरे कौरव संप्रदाय। और हाँ जी हाँ जी हाँ ना, आदि में फेल हुआ उनका यादगार, सास का यादगार स्टेट का पूर्जन में उन्होंने प्राप्त किया। त्रेतायुग की यादगार है, त्रेतायुग की यादगार है, फेलियस की यादगार है, चंद्रवंशियों की यादगार है, वो ब्राह्मणों की यादगार नहीं है, अधूरेपन की यादगार है, संपूर्ण की यादगार कहते हैं। राम फेल हुआ तो चंद्रवंशी बना या सूर्यवंशी बना? अपूर्ण है या संपूर्ण है? अपूर्ण का यादगार है। हाँ मैन माने संगठन, संगठन रूपी महल बनाया। हाँ जी कहते हैं भैंस बुद्धि, भैंस कहो तो स्त्रीलिंग और भैंसा कहो तो पुल्लिंग। धर्मराज को काय के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, भैंस के ऊपर या भैंसा के ऊपर? भैंसा के। अब भैंस बुद्धि कहो या पत्थर बुद्धि कहो, कलयुग अंत में आकर के आत्माएं क्या बन जाती है? पत्थर बुद्धि बन जाती है। जो पत्थर बुद्धि बन गया की यादगार कलयुग की यादगार है या द्वापर की है या त्रेता है या सती की पुरुषार्थ की यादगार? कलयुग की यादगार है। कलयुग में
जो शिवलिंग है वो पत्थर का बनाया जाता है, हीरे का नहीं बनाते। और द्वापर में हीरे का बनाया गया था, हीरा उसमें जड़ा हुआ था, वो आत्मा कलयुग अंत में आकर के पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो पत्थर बुद्धि में धर्मराज सवारी करता है। धर्म का राजा कौन है? ब्रह्मा बाबा है। धर्म माने धारणाओं का राजा, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की सोल इसको बैल कहा गया है। क्या कहा गया है? बैल। वो बैल के ऊपर शंकर सवार है या बैल शंकर के ऊपर अभी सवार है? क्या कहें? बैल है, है। मुरली में बोला है शंकर ऐसे छलांग लगाते हैं और बैल पर सवार हो जाते हैं। वो अंत समय का यादगार है या आगे और मध्य का यादगार है? अंत समय का यादगार। अब बैल कहो वो तो संतान उत्पत्ति करने में मुख्य प्राणी माना जाता है। एक बैल ढेरों गायों से ढेर बच्चे पैदा करता है। ब्रह्मा बाबा का टाइटल जो उनको प्रजापिता का टाइटल मिला, प्रजापिता के ना रहने पर मिला या पहले ही मिल गया? ना रहने पर प्रजापिता का टाइटल मिला। फिर वो टाइटल किसको दिया गया? ब्रह्मा का जो टाइटल प्रजापिता था वो टाइटल बाद में किसको मिलता है? राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा जो है वो टाइटल धारी बन जाती है, प्रजापिता बन जाती है। सारी प्रजा का पिता। और प्रजा कैसी है? पारस बुद्धि है या पत्थर बुद्धि है? पत्थर बुद्धि। सारी की सारी समस्त व्यक्ति की प्रजा पत्थर बुद्धि। तो राम वाली आत्मा का जो व्यक्तित्व है, शरीर है कि यादगार पत्थर दिखाया गया। पत्थर बुद्धि कहो, ऐसा बुद्धि कहो, बात तो एक ही हो गई। अब कोई कहे कि अगर भैंस बुद्धि है तो ये मनन चिंतन मंथन कहाँ से आया है? ब्रह्मा के अंदर सहन शक्ति का पार कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल ने बजाया या शिव ने बजाया? शिव ने बजाया। ऐसे ही राम वाली सोल कहो या उसके जो भी फॉलोअर्स हैं राम संप्रदाय, वो साफ पत्थर बुद्धि होते, तामसी होते हैं। तामसी आत्माएं कोई सर्विस नहीं करती है, उनके अंदर सर्विस कौन करता है? है बाप दादा। माने या तो शिव की सोल या ब्रह्मा की सोल, ये सर्विसेबल आत्माएं उनको सर्विसेबल बनाती है। वो स्वयं सर्विसेबल नहीं होते, इसलिए कहा कि धर्मराज की सवारी के ऊपर और हर के चित्र के अंदर इब्राहिम को हरे कपड़े पहन के बताया। हरा रंग
नीला रंग और काला रंग, तामसी स्टेज का सूचक है, तामस का सूचक है, तमस अंधेरे को कहा जाता है। एक कहावत भी है, श्रावण के अंधे को क्या सूझता है, हरा ही हरा। जो हरा रंग है वो विषैला रंग माना जाता है, नीला रंग भी विषैला माना जाता है, काला रंग भी विषैला माना जाता है, लेकिन जो दुख की दुनिया है, दुखधाम, उसमें सबसे जास्ती राजाई कौन से धर्म ने प्राप्त की? इस्लामियों ने। इसलिए ये कहेंगे कि इस दुनिया में रह करके भी सबसे जास्ती सुख किसने भोगा? राजाई का सुख इस्लामियों ने भोगा। लेकिन कैसा सुख भोगा? विषयी वासना का सुख भोगा या निर्विष भोगा? विषय वासना, ये हरा रंग का। और बाबा, ये पोर्टल में पूछने वालों को क्या इनाम मिला जाएगा, क्या इनाम मिलेगा इनको? पूछने वालों को जो पूछते हैं कि आप कितने बजे उठते हो, आप पवित्र रहते हो कि नहीं रहते, इनको क्या इनाम मिलेगा बाबा, ये आप बताइए। पोता मिल तो किसी को पूछने का अधिकार ही नहीं है। क्या ये सोना कलर संपूर्ण बन चुके हैं जो पोता मिल पूछते हैं? बता तो क्या चलती है, और इसके बाद भी ये ऐसी फुकर मारते हैं आप लोग। पोता बता तो दिया, पोता मिल किसी को पूछने का अधिकार ही नहीं है, और किसी के पूछने से अगर कोई बताता भी है तो उसको श्रीमत का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए जो अनाधिकार चेष्टाएं होती है उनको एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। बाबा, जैसे ज्ञान में बाबा पांडवों को पांडव कहते हैं और शक्तियों को शक्तियां कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में विशेष रूप से पांच पांडवों का ही गाया है जी, तो क्या केवल आखिरी में पांच ही पांडव बचते हैं क्या बाबा, या केवल पांच ही अपने को गला पाते हैं? शक्तियां नहीं होती है क्या? द्रौपदी है, कुंती है, इन्हें शक्तियां नहीं कहेंगे? मात्री है, सुभद्रा है, ये शक्तियां नहीं थी? पांच माने उंगलियों पे गिने जाने योग्य, ज्यादा नहीं। बाबा, ये प्रजा भक्ति जब सदगुरु का पाठ प्रजापिता की टोली के लिए करेगी? बाप बेहद के दो, उनमें सुप्रीम टोल तब साबित होता है जब प्रजापिता में प्रवेश करे, और प्रजापिता भी तब साबित होता है जब सब शिव सुप्रीम टोल उसमें प्रवेश करे, प्रजापिता में। माना दोनों एक दूसरे के पूरक है, शिव के बगैर प्रजापिता की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती, और प्रजापिता के बगैर शिव बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। और रहा उनका टीचर और सदगुरु का पाठ, तो टीचर तो सुप्रीम सोल ही है, प्रजापिता को सुप्रीम टीचर नहीं कहेंगे, लेकिन पर्सनालिटी एक ही है। बाबा माने साकार,
और शिव माना बिंदु, दोनों के मेल से एक पर्सनालिटी बनती है, इसलिए की कह रहे हैं। सदगुरु, सदगुरु तो सदैव साकार ही होता है, और सदगुरु को दलाल कहा जाता है। सदगुरु निराकारी स्टेज जब तक धारण न करे तब तक सदगुरु भी नहीं बनता। और शिव निराकारी स्टेज धारण करता है या सदैव सदा शिव है? वो सदैव सदा शिव, धारण करने की बात ही नहीं। तो बाबा ये क्या बोलते हैं, सदगुरु का पाठ शंकर की आत्मा के द्वारा प्ले होना जो चल। सदगुरु जब कहा जाता है तो सत्य है उसमें, और गुरु माने साकार है स्वयं, उनसे कहा जाता है शिव बाबा, शिव माने कल्याणकारी। जब पिता कल्याणकारी नहीं है लेकिन शिव है कल्याणकारी, शिव बाबा कहा गया। ऐसे ही सदगुरु नाम पड़ा, सत्य मानो शिव सदैव ही सत्य है, और वो आकर के गुरु बनता है। बाबा ये शिव बाबा तो प्यार का सागर है, मार का सागर नहीं। तो शंकर की पर्सनालिटी में प्रवेश रहेगा उस समय सदगुरु के पाठ के समय या नहीं रहेगा? शिव बाबा सदगुरु का पाठ अंत का पाठ है, मध्य का पाठ ठीक कर गए, और आदि का बीजारोपण का पाठ बाप का है, अंत में बाप बरसा भी देता है, अंत का भी पाठ है। क्योंकि सुख धाम और शांति धाम का वर्षा देने वाला बाप ही है। तो बाबा एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलानाथ, हाँ जी, तो ऐसे इसको भी अपन वेरीफाई करेंगे क्या, बाप पिता सदगुरु जैसे करेंगे कि वेरीफाई हो गया? हाँ मेरा मतलब हम लोग सोचेंगे वैसे। दो हजार छः के बाद तो अंत कथा में कहेंगे, तो निकल 2006 के बाद अंत कथा में कहेंगे। कहेंगे इसकी मूर्ति का पाठ का अंत हो गया? नहीं, शुरुआत होगी सदगुरु का पाठ जो है 2006 के बाद से। मैंने टीचर जो है वो टीचर के रूप में पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है ठीक है बात है? जब तक जीना है तब तक पीना है, ये किसके लिए बोला? और अंतिम जन्म में माना आखिरी जन्म में आकर के सबसे जास्ती नीचे गिरते हैं। वो आखिरी जन्म में जब दूसरे धर्म से प्रभावित होंगे तो ज्यादा दुखी भी होंगे। हाँ जी, एक ही जन्म में इतना नीचे चले जाएंगे। बाबा जैसे कि भगवान का मैं जो हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे मेरे द्वारा ही जाना माना पहचाना जा सकता है, साथ रहने वाले बच्चे भी नहीं पहचानते हैं। तो ये सदगुरु की पर्सनालिटी के लिए ये बात लागू होगी क्या? सदगुरु का पार्ट है अभी अभी ऐसे नहीं है जो साथ रहे हैं और सबसे ज्यादा साथ रहे हैं, सबसे ज्यादा मिलन मेला मनाया है, सबसे ज्यादा उनका मेला मनाया जाता है, फिर भी भूले हुए हैं। अभी नहीं है ऐसे, अभी सदगुरु का पाठ कहेंगे? सदगुरु का पाठ तो नहीं है। एक तरफ ये भी कहा कि शंकर का पाठ ऐसा बंडल खोले जो तुम बच्चे विश्वास करना सब है। तो ये अभी जैसे कि भगवान का सदगुरु की पर्सनालिटी शंकर की है, तो फिर वही बताएगा मतलब ये
अपने पार्ट के विषय में या आत्माओं को क्लियर करें फ्यूचर में जो जिनका पार्ट है वो अपने आप अपने को क्लियर करें फिर है ना करते। तो बाबा आखिरी में जाके सेल्फ रियलाइजेशन होना है क्या, मतलब जो हूँ मेरे मुझे मेरे द्वारा ही जाना माना पहचाना जा सकता है, हाँ? वो खुद अपनी पहचान दे रही वो पर्सनालिटी, वो सदगुरु का पहचान नहीं दे रहा है, बाप की भी पहचान है तो टीचर की भी पहचान है तो सदगुरु की भी पहचान। हाँ पहले बुद्धि की सदगति होती है, ये जो है शक्ति तरफ चलती है। जैसे बताया कि 2006 के बाद जो पढ़ाई पढ़ाने का पार्ट चालू हो गया, चालू हो गया जैसे तो पार्ट तो पहले ही चल रहा है, है? शंकर का पाठ खत्म होता है ऐसा बताया पढ़ाई ये कौन सी बोली में कहा पाठ खत्म होता है, शंकर का पाठ खत्म होता है, विष्णु का पाठ खत्म होता है, खत्म होने का तात्पर्य है कि मतलब जो बोल बोल की जो परिभाषा है, है जो बोल बोल की परिभाषा है जो ज्ञान बोल बोल के दिया जा रहा है ना, ये कहीं आता है कि बोल बोल के ज्ञान देता है उसे शंकर कहा जाता है, है? बाबा ने ये कहा है कि जो मनसा के द्वारा या उनकी आत्मिक स्थिति के द्वारा ज्ञान की परिभाषा नहीं निकलनी है, नहीं निकलनी है, निकलनी है, हाँ। तो वो परिभाषा शुरू होने वाली है तो बता। हाँ जी वही तो सदगुरु का पार्ट है, मधुबन माउंट आबू, तो मधुबन कहेंगे ऐसे क्यों कह दिया मधुबन, मधुबन की तो परिभाषा बताइए, कहाँ पर मधुबन माउंट आबू, हाँ बाबा दादा इसलिए कहते हैं जैसे अभी मुरली में बताया हाथ और साथ, हाथ है श्रीमत का क्या देश से मति देते हैं बुद्धि देते हैं वो है हाथ, और जो बुद्धि से याद करते हैं वो है साथ, माने ब्रह्मा बाबा जब गुलजारदादी में प्रवेश करते हैं तो बुद्धि से बहुत याद करते हैं गहरी याद में रहते हैं, इसलिए शिव बाबा उनके साथ है, इसलिए क्या कहा जाता है बाप दादा। बाबा ये कब तक जाते रहेंगे, मैं क्या परेशानी सब क्यों अंधकार में बंधे कितने लोग मतलब जाते रहते हैं जीता बनाते रहते हैं, चंद्रमा निकलता है तो अंधकार में ही निकलता है, बाबा जाते हैं में जाते हैं हम निकालते हैं आज जब चंद्रमा संपूर्ण बनता है जब पूर्णमासी होती है तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय हुआ नहीं और चंद्रमा भी अस्त हो जाए तो बाकी ये जो बेसिक में आत्मा है वो तो सब बेकार हो गई। वही करना चाहते बेसिक में भी और एडवांस में भी नौ धर्मों की आत्मा है, बेसिक में नौ धर्मों की आत्मा नहीं है, एडवांस में नौ धर्मों की आत्मा है, बेसिक में नौ धर्मों की नहीं है, वो चंद्रवंशी है और चंद्रवंशी से लेकर नीचे वाले सब है, वहाँ सूर्यवंशी नहीं है, अगर कोई है भी तो वो उधर से ट्रांसफर यहाँ हो रहे हैं हो जाएंगे। है हिंसा चढ़ा हुआ है और धर्मों के संग का रंग का मिलकर चढ़ा हुआ है, ये उतर जाएगा तो वो आत्मा ओरिजिनली आदि सनातन देवी का धर्म की हो जाएगी, बिल्कुल ओरिजिनली है वो आदि सनातन देवी का धर्म की लेकिन हिंसा चढ़ा हुआ है। चढ़ा हुआ है
यादगार भक्ति मार्ग में कहीं बिंदी बनाई जाती है? क्या बेटा भाई? अरे यादगार बनी नहीं है बिंदी की। अगर बिंदी की यादगार बन जाए तो सब कोई बिंदी को ही याद करे, फिर लिंग को क्यों याद करे? लिंग के मंदिर क्यों बने? बिंदी की यादगार नहीं बनती है। बिंदी नहीं निराकार है, लिंग में जो हीरा जड़ा हुआ था वो निराकार की यादगार। हाँ जी। और लेकिन भक्ति मार्ग में शंकर जी मतलब शिवलिंग को हाथ में लेके बैठे हुए भक्ति मार्ग में शंकर जी हाथ में लेके बैठे शिवलिंग को तो बाबा किस हिसाब से मतलब वेरीफाई करेंगे? भक्ति मार्ग में जो शंकर दिखाया है वो भगवान के रूप में दिखा दिया, जो कृष्ण में आराध दिखाया गया है वो भगवान के रूप में दिखाया गया, जो राम को दिखाया है वो भगवान के रूप में दिखाया गया। माना राम राम नहीं है, भगवान है। कृष्ण कृष्ण नहीं है, वो भगवान का पार्ट है। शंकर शंकर नहीं है, कौन है? शिव है। और गुरु के हाथ में कौन डल रहा है? शंकर हुसैन का रथ। वो तो हुसैन का रथ जो है वो तो मुसलमानों में माना जाता है। बाबा ने मिसाल दिया है, हुसैन का घोड़ा है रथ। क्या मुसलमानों का मिसाल दिया है? बोलो क्या बोल रहे? जब कनेक्शन सच्चा होता है वायर में, कनेक्शन जोड़ते हैं वायर से, तो वायर में अगर जंक वगैरह नहीं है तो कनेक्शन जुड़ेगा, और जंक होगी तो कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। रामलीला, राम की लीला है इसलिए रामलीला कहते हैं। और बाबा, हाँ जी, पहले दृष्टि से दृष्टि है, पहले हमारी वाणियों में ऐसे बोलते हैं दृष्टि से दृष्टि, दृष्टि दृष्टि से दृष्टि सुनेगी। हाँ, लेकिन नाभी बाबा ने 11 से 8 से 11 किसी को बुलाया है। हाँ, कि मैं धंधा नहीं करता किसी। हाँ, मैं धंधा नहीं करता किसी के, यानी किसी को पावर देना नहीं था। मैं माने कौन? जो मैं बोला वो किसने बोला? शिव ने बोला, शंकर ने तो नहीं बोला। अबे बोलने वाला मुरली में बोलने वाला है वो कौन है? शंकर है या शिव है? तो शिव धंधा करता है आंख लड़ाने का? तो अपनी अपनी भावना है, जिसकी भावना है। हम शिव बाबा से संगति ले रहे, हम शिव बाबा की गोद में जा रहे, तो शुद्ध भावना है तो उसको प्राप्ति भी होगी, वैसी ही होगी। कि बुद्धि में हम ब्रह्मा बाबा की गोद में जा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा से प्यार ले रहे हैं, तो प्राप्ति प्राप्ति भी हो। बोलो बोलो। रामलीला राम की होती है, सबकी क्यों होती है? सबकी रावण
करके तब फिर दिखाते हैं। बाबा माता इंतजार बचाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आत्म शक्ति धारण करनी चाहिए। ये बांध रहता है तो डर रहता है, एक ही सारे नहीं करती ओके। पांच विकार हैं उसमें तो काम कुछ लोग वो अहंकार है ही है, लेकिन जो प्रकृति के पांच मुख दिखाई दे वो भी रुद्रमाला के अंदर से है या स्त्री की यादगार रुद्रमाला की यादगार। हाँ जी आकाश है बाप मुख नहीं है, तुमने अभी कहा पुरुष मुख है देखो। हाँ जी हाँ जी आकाश बाप है, मंदोदर माने सारे ही मंदोदर वाले हैं, आकाश भी मंद बुद्धि है, जो जड़ आकाश है वो भी मंद बुद्धि है। लोग सबको घेर के रहता हूँ, माने शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करता है वो मंद बुद्धि नहीं है, है? बाबा जब शिव बाबा प्रवेश करता होगा तो उसकी बुद्धि तो खुली होगी, शिव बाबा प्रवेश की आधा तो उसकी बुद्धि तो खुली होगी। बैल पर हर समय सवारी होती है क्या? है? है? शंकर तो शिव ने सवारी शंकर में करी है, शिव ने सवारी शंकर में करी। हाँ जी शंकर बैलों पे करता है। हाँ जी तो आकाश की पर्सनालिटी बैल की पर्सनालिटी या शंकर की पर्सनालिटी है? आकाश की पर्सनालिटी बैल की पर्सनालिटी या शंकर की पर्सनालिटी? वो आकाश है जड़, ये द्यावा पृथ्वी जो शास्त्र में गाया हुआ है, द्यावा माना वेद का आकाश और पृथ्वी माने माता, वेद के माता पिता है साकार। तो बेहद के माता पिता तो शंकर पार्वती ही होने चाहिए। पार्वती को नहीं गिना जाता है आप देव में, अष्टदेवों में लौकिक दुनिया में किसी की मृत्यु हो जाती है तो पुरुष सिर मुड़ाते हैं और स्त्री सोलह सोलह में सिर मुड़ाते हैं। माथा मुड़ा जाता है वो दुर्योधन दुशासन का मुड़ा जाना चाहिए या स्त्रियों का मुड़ा जाना चाहिए? स्त्रियाँ दुर्योधन दुशासन होती है क्या? आजकल तो देखो जाके स्त्रियाँ भी मुड़ा रही है, देखो जाके पति में जाके देखो आजकल स्त्रियाँ भी माथा मुड़ा रही, पहले नहीं मुड़ा रही। बारह दिन करते संस्कार उचित होते हैं, गीता पाठशाला एडवांस वालों की या बेसिक वालों की? एडवांस वाले तो फर्स्ट क्लास मुरली सुनते हैं या तो सेकंड क्लास सुनते हैं और थर्ड क्लास सुनते ही नहीं, ज्ञान में है ही नहीं, वो तो अज्ञान में है। मुरली क्या जाने मुरली क्या होती है?
उनको सुनाना ही नहीं हो जब तक उन्होंने साप्ताहिक कोर्स नहीं लिया। कोर्स दो मुरली सुनाओ। माथा मुड़ना माने सब कुछ खराब कर दिया, कुछ भी नहीं रहा। कहाँ सब ऐसी बातें बना देते हैं भक्ति मार्ग बाबा। हाँ, कागज की मूर्ति के बाप की बाणी नहीं है क्या? क्या कागज की मूर्ति के बाप की बाणी नहीं है? बाप तो ये कहता है कि अगर आदमी स्मृति में रह गए, अगर हम ज्ञान सुनाएंगे तो वो गलत नहीं सुनाएंगे, वो सही सुनाएंगे। नहीं सर, नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। बाबा ने जब बाणियों में बोला है कि ये मूर्ति भी जब बाप सुना सकता है तो वो आत्मस्मृति वाला है, तो हम बच्चे भी आत्मस्मृति में जो है वो सुनाने की हिम्मत करता है, ये बात तो उसके लिए कट हो जाएगी ना बाबा। मतलब कहने का ये है कि वाणी तो वही है, बाप की वाणी है। अगर कोई आत्मस्मृति में रह के सुनाता है और जिसके पास सुविधा नहीं है सुनाने की, लाइट नहीं है और वो समय तो उसको सफल करना है, फिर वो कैसे करेगा बाबा ये बताइए आप। मुरली सुनाने से ही समय सफल होता है बाबा। जो बच्ची आत्माएं होती है, बाबा ने तो कहा है कि हर आत्मा को अपन को लेकर चलना है, ये नहीं कि अच्छी अच्छी आत्मा को ही लेकर चलना है। कमजोर आत्मा है जो सुनने की इच्छा रखती है उनके लिए फिर क्या करेंगे बाबा? उनको ये थोड़ी कहेंगे कि चित्रों के सामने आप बैठे, उन चित्रों का मतलब ही नहीं जानते, फिर उनको क्या समझाएंगे बाबा? चित्रों का मतलब नहीं जानते तो समझाना है। चित्रों पर बच्चों को समझाया जाता है या सालिम बुद्धियों को समझाया जाता है? बच्चों को समझाया जाता है, जो बच्चा बुद्धि है उसको चित्रों को समझाना पड़ेगा। नहीं कट करने की बात हो रही ना बाबा, इसलिए कट करने की बात हो रही है। मतलब एडवांस के बच्चे कागज की मूल्य नहीं पढ़ते, कागज की भी तो बाप की बाणी है। जब अपनी स्मृति बनेगी तो अपने आप उस बात को जो उसमें अशुद्ध बात की जोड़ दी होगी या कट कर दी होगी उसको जिसने पूरा कोर्स किया है, और जो मतलब बाप की वाणी को रेगुलर सुनता है और कंट्रोल क्लास करता है तो वो स्टूडेंट तो उस बात को क्लियर करके समझ सकता है ना बाबा। ये बात तो मुरली में ही बोली गई है, कोई फर्स्ट क्लास मुरली सुनते हैं, कोई सेकेंड क्लास सुनते हैं, कोई थर्ड क्लास मुरली सुनते हैं। तो फर्स्ट क्लास पढ़ाई पढ़ना अच्छा या थर्ड क्लास पढ़ाई पढ़ना अच्छा? फिर क्या बात है? कोई पर व्यस्त नहीं मान लो वो कागज की मुरली पढ़ सकता है और दूसरे को सुना सकता है। क्या नहीं है? तेज की व्यवस्था नहीं है, गरीब परिवार है, वो क्या करेगा? मुरली कहाँ पड़ेगा? मतलब तेज की व्यवस्था नहीं है, मुरली पढ़ के सुना सकता है? सुन सकता ही नहीं, रोटी खाता ही नहीं, रोटी खाता है माना देह का भोजन ले सकता है, कमाई कर सकता है, आत्मा का भोजन की कमाई नहीं कर सकता? नहीं है तो क्यों नहीं है? राजा ही कैसे लेगा जो अपनी पेट की कमाई नहीं कर सकता, जो अपना बुजुर्गी पेट ही नहीं भर सकता, अपना पेट पालन नहीं कर सकता, वो दूसरों ऊपर राजा ही क्या करेगा? भी है किसी पास यदि लाइट चली जाती फिर वो बुजुर्ग सुनना है मान लो फिर बैटरी आती जिक्रगुणों से सजावट होती है उसकी, और शंकर जी तो सजे सजाए होते नहीं है, तो नंग मुनंगे दिखाई नहीं पड़ते उनके गुण है, देखने में आते हैं अवगुण ही अवगुण, कहीं बिच्छू कहीं किंडन कहीं क्या कहीं नंगा कहीं मुनंगा। बाबा, जैसे ब्रह्मा की आत्मा का
शरीर होता है तो गुलजार आदि के तन में जब जाते हैं तो उन्हें फील होता है उनका चेहरा मोहरा चेंज हो जाता है। तो जब राम वाली आत्मा के साथ ब्रह्म की आत्मा होती है तो राम वाली आत्मा को भी तो फील होता है। राम वाली आत्मा बीज रूप है, जड़ रूप है, पत्ता रूप है, टहनी रूप है, कौन सा रूप है? बीज के साथ आएंगे तो बीज ज्यादा पावरफुल या पत्ता ज्यादा पावरफुल? वो सृष्टि का पहला पत्ता है, राम वाली आत्मा पहला बीज है, तो बीज के संग का रंग लगेगा ना, बीज हो जाती है। बाबा ने कहा है और धर्म के साथ द्वापर से उतरेंगे। अच्छी बात में संकेत है, और धर्म के साथ द्वापर से उतरेंगे। बात हो रही है सर, बोलो बोलो। और धर्म के साथ द्वापर से उतरेंगे। हाँ जी। तो धर्म के साथ तो फिर द्वापर से उतरेंगे, लेकिन उनके आधार या बीच उनका कैसा ड्रामा वो होगा, ड्रामा का तो बोलते हैं शूटिंग, जो अपन भाग उसको वेरीफाई कर सकें। और धर्म पिता है द्वापर से उतरेंगे, धर्म पिताओं में भी आधार है बीज है, तो उनका कैसा ड्रामा वेरीफाई होगा जो अपन कुछ बता सके या बाबा की मुरली का? कितनी बार बताया हुआ है कि जो जिस धर्म का बीज होगा वो उस धर्म की जड़ समझ जाएगा, जो जिस धर्म की जड़ होंगी वो दुनिया वाले धर्म गुरुओं से मिल जाएगी, जब मिलेंगे तो पता लग जाएगा। बाबा लेकिन बाबा बेहद की सारा कर रहा है मुरली में, तो बाबा कहता है और धर्म पिता है द्वापर से उतरेंगे। क्या अपनी अपनी खिचड़ी पकाएंगे? चलन से, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्म से, व्यवहार से वो उसी धर्म की शूटिंग करेगा? नहीं बाबा, जैसे कि सतयुग त्रेता युग है और द्वापर कलयुग है, तो ये ब्राड ड्रामा में सतयुग त्रेता युग की भी कभी शूटिंग होती होगी? कभी? अभी नहीं। ब्राड ड्रामा की शूटिंग हो रही है संगम पे ही है, तो उसको कैसे अपन आंख सकते हैं कि ये सतयुग त्रेता युग की शूट, उसको कैसे अपन आ सकते हैं कि सतयुग त्रेता युग की शूटिंग के बाद ये द्वापर युग शूटिंग में इनकी एक्ट हो रही है बीजों की आधार की? जब दुखी हो जाते हैं शूटिंग पीरियड में तो समझो हमने दुख की मनमत की पर मनुष्य मत की शूटिंग की, और जब सुखी होते हैं प्रसन्नता बढ़ती है, खुशी बढ़ती है, तो हमने श्रीमत की शूटिंग की। इसको चार युगों में डिवाइड कर सकते हैं सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग? सतयुग त्रेता युग की शूटिंग माना श्रीमत पर चलना, और द्वापर कलयुग की शूटिंग माना मन मत और मनुष्य मत पर चलना। तो 2004 से 2008 जो चार साल की शूटिंग पीरियड है, इसमें चार युगों की शूटिंग समाई हुई है क्या? ओके, तो इसको ही अपन आ सकते हैं 2004, 5, 6, 7, 8? क्यों नहीं? और संगत के पांच रूप बताए हुए मछली है, तो इसका पंचमुखी महादेव नहीं होते, चौमुखी महादेव होते, कंपिल में यादगार बनी हुई है चौमुखी मंदिर की। पांच बता दो, ऐसे ज्ञान में रहते क्या कोई पांच है? पांच ज्ञान में भी कोई रहते क्या शंकर? पांच ब्रह्म है वो ही उनको उसको बता दिए। बाबा महाकाली जो है उनके उनके गर्दन में मतलब गले में जो हड्डियों की माला दिखाई दे रही है, हड्डियों की खोपड़ियों की माला दिखाई दे रही है, और कदमों में उनके कंकर दिखाई दे रहे हैं महाकाली को है? हाँ, तो उनके कदमों में कंकर दिखाई देते हैं और उनके गले में मुंडियों की माला है, सर काटती जाती है, हाथ में किसी की धारण कराती जाती है और उनकी हड्डियां गले में डाल लेती है। हाँ, भगवान के जो सहयोगी बच्चे हैं उनको काट देती है, और वो सहयोगी सहयोग रूपी भुजाएं उनसे अपनी कमर की लज्जा छुपाई लेती है।
बाबा आपने तो कहा कि आत्मस्मृति बनाने से आत्मा शक्तिशाली बनती है, लेकिन आत्मस्मृति बनेगी कब? जब ध्यान कब जाएगा, जब ज्ञान होगा। तो पहली बात तो ये है कि माताओं को ज्ञान सुनने में दिक्कत होती है, इसलिए कान बंद है। बात ये नहीं बाबा, बात ये है कि ये बात दबा ली जाती है। क्या दबा? जैसे आप चार बात कहती हो, पहले ज्ञान योग से धारणा फिर सेवा, ये बातें दबा के अपनी स्टेटस की बातें समझाई जाती है, जिससे उन आत्माओं को प्रभावित किया जाता है, उनको प्रजा बनाया जाता है। बाप तो कहता है आत्मान बनाना है और बच्चों को बाप बापमान बनाता है, तो हम बच्चों का भी कर्तव्य बनता है, हमें भी सच्चे पंडे बनकर बाप का सच्चा रास्ता बताना चाहिए। ज्ञान फिर योग फिर धारणा फिर सेवा। पहली बात यहाँ धारणा ले आते हैं कि धारणा को पहले अंक कर देते हैं, ज्ञान को पीछे कर देते हैं। तो इसलिए बाबा इन कन्या माता की यह हाल है कि ये आदि सनातन देवी देवता धर्म न हो गए, यहाँ देवता देवी धर्म चल रहा बाबा। ना देवी की देवता कहाँ से हो जाएगी? तो ज्ञान नहीं होगा तो देवी उठेगी कैसे? अगर देवी होगी तो देवता होगा, नहीं तो देवी देवता होगा ही नहीं, फिर तो संन्यास धर्म हो जाएगा। जनुकाया? अरे काया पांच तत्वों की होती है, काया काय की होती है, पांच तत्वों की। और पांच तत्व जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। तो दुनिया जो है उसमें जड़ की परिवर्तन पहले, जड़ का परिवर्तन पहले होगा या चैतन्य आत्माओं का परिवर्तन पहले होगा? ये जो है वो ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान का सागर चैतन्य आत्माओं को ज्ञान सुनाएगा या जड़ पांच तत्वों को ज्ञान सुनाएगा? तो पहले कौन चेंज होगा? चैतन्य आत्माएं 2018 में चेंज होती है, चेंज होना शुरू होती है। कंचन काया, काया माने पांच तत्वों को नहीं चेंज करता है, ज्ञान से पांच तत्व चेंज होंगे या ज्ञान से आत्माएं चेंज होंगी? आत्माएं चेंज होंगी। पांच तत्व तब चेंज होंगे जब आत्माएं योग युक्त वातावरण बनाएंगी। बाबा में जो है, वो है। सारी दुनिया उल्टी हुई हो जाती है, इसीलिए पेड़ को उल्टा दिखाई दिया है, जल्दी समझेंगे। बाबा ने संदेश में कहा माया ने प्रकृति का हाथ मिला लिया है, है संदेश किया। हाँ, तो ये बाबा बुद्धि रूपी हाथ है या स्थूल हाथ है? अरे यहाँ हद की बातें होती है या बेहद की बातें होती है? तो बाबा ये बीज रूप दुनिया के लिए लागू होगा या आधार मूर्त के लिए? वो भी वाणी के पॉइंट है, बुद्धि के पॉइंट हो और चाहे ऑब्जेक्ट वाणी के पॉइंट हो, पहले कौन समझता है? एडवांस वाले समझते हैं, बीज रूप पाठ में समझती है या जड़ पर बैठी हुई जड़ बुद्धि समझते है? तो बाबा कहा बाबा ने कि हाथ मिला लिया, तो मतलब रावण के दसों सिर एक तरफ हो गए? हाँ जी, जैसा शूटिंग पीरियड में आएगा कि आत्मा को पुरस्कार है, शूटिंग पीरियड में आत्मा को पुरस्कार पड़ेगा? पड़ नहीं रहा है, क्या समझ रहे? देवता बन रहे अभी है? हाँ ये है, कोई ज्यादा कंट्रोल कर लेते और कोई कंट्रोल कम कर पाते। बाबा जैसे बोला कि एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है, है? दूसरी तरफ ज्ञान को प्रत्यक्ष होता है, है? तो ये कार्य होना बाकी है, है? हाँ जी, सूर्य उदय ना हो और जो बाप दादा आ रहे हैं वहाँ वो भी आना बंद हो जाए तो बेसिक वालों का क्या हाल होगा? इसका तो आधार ही खत्म हो जाए। बाबा ने जो चार तीन चार मतलब 2004 से 2008 तक बताया, इसी महीने होना क्या 2004 से 2008 तक प्रत्यक्षता बताया?
सत्यता बताई तीसरी मूर्ति की, और तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी पहले अपने कुल में या पराए कुल में? तो जब प्रत्यक्ष हो उस समय की याद आ रही है। हाँ जी बाबा, यह तीसरी मूर्ति की फेवर में राम बाप की आत्मा रहेंगी क्या? अगर फेवर में होगी तो आवाहन करेगी, फेवर में नहीं होगा तो आवाहन क्यों करेगा? इस्लामी आवाहन करेंगे चंद्रवंशियों का, या बौद्ध क्रिश्चियन आवाहन करेंगे, या सूर्यवंशी आवाहन करेंगे? बाबा जैसे त्रिमूर्ति क्यों बताया है, तो उसमें तीन मूर्तियां बताई ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो उसमें दो माताएं बताई और एक पुरुष रूप बताया है, है? जबकि एक पुरुष रूप बताया, जबकि दो माताएं बताई वैष्णवी और ब्रह्मा है, जगदम्बा को ब्रह्मा बताया आदि में। माता रूप थोड़े ही है तो तीनों का पुरुष रूप। तुम्हारी बात पूरी हो गई? नहीं बाबा नहीं क्लियर हुआ। हाँ क्या? जैसे बड़ी मम्मा और छोटी मम्मा को ब्रह्मा और वैष्णव बिंदु बताया, वो तो अभी चित्र ही नहीं बना है। नहीं सर, भक्ति मार्ग में बाबा तीनों को पुरुष रूप बता दिए, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, जबकि जो ज्ञान के हिसाब से बताया कि एक तो शंकर वो तो बाबा हो गए, मतलब तीन मूर्तियाँ बताई, हाँ तो दो माताएं बताई आदि में, और एक पुरुष बताया कि मैं तीन त्रिमूर्ति के साथ ही आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऐसे डेफिनेशन देते हैं अभी हमारे, लेकिन भक्ति मार्ग में बाबा तीनों पुरुष रूप बताए हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। हमारा तीनों जो है वो समान संस्कार वाले नहीं बनते हैं, जगदम्बा वैष्णवी देवी और शंकर, ये तीनों के संस्कार मिलकर के एक नहीं होते, एक संस्कार हो जाते हैं, तो उनको एक ही रूप से दिखाया जाएगा, पुरुषी पुरुष दिखाएगा। बाबा यहाँ थोड़ा सा डाउट था मेरे को, भक्ति मार्ग में जितने भी अवतार दिखाए पुरुष मुख दिखाए भगवान के, तो बाबा ये छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी ये भगवान है? नहीं, भगवान के जो अवतार, भगवान की तो बात कर रहे हैं, भगवान के जितने अवतार दिखाए पुरुष मुख दिखाए, हाँ जी हाँ जी, तो बाबा ये छोटी मम्मी बड़ी मम्मी को ये भगवान है क्या? नहीं तो लेकिन अवतार दिखा लगे, अवतार है वो, बाबा ने कहा मैं भगवान के अवतार है, बाबा ने कहा कि मैं त्रिमूर्ति के साथ आता हूँ, त्रिमूर्ति के साथ आता हूँ, जो तीनों मूर्तियाँ भक्ति मार्ग में दिखाती हैं, मूर्ति के साथ आता हूँ तो तीनों मूर्ति में प्रवेश कर कार्य भी कराता हूँ? नहीं, दो में प्रवेश करना पड़ता है, इसलिए एक के द्वारा सिर्फ सुनाता हूँ, दूसरे के द्वारा सिर्फ सुनाता और समझाता हूँ, और तीसरी मूर्ति के द्वारा प्रैक्टिकल कर्म कराता हूँ। सुनाना समझाना नहीं, वो गौण हो जाता है। बाबा इसको आदि सुअंत कैसे वेरीफाई करें? आज में भी उसने समझाया ना, सुना सुनने पर ज्यादा, सुनने सुनाने पर ज्यादा गौर किया उस मूर्ति ने, न समझने समझाने पर ज्यादा गौर किया, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया, अंत में भी वो प्रैक्टिकल कर्म करती है, प्रैक्टिकल पार्टी को भी है, प्रैक्टिकल पार्टी की मुखिया, हाँ जी तीसरी मूर्ति, हाँ जी। अरे ज्ञानी जो है वो प्रैक्टिकल कर्म करने वाले को कहा जाता है, या सुनने सुनाने समझने समझाने वाले पंडित को कहा जाता है? जो प्रैक्टिकल कर्म करे वो ज्ञानी। बाबा भी कहा, बाबा ने के कृष्ण को भगवान कह दिया, राम को भगवान कह दिया, शंकर को भगवान कह दिया, कृष्ण को भगवान कह दिया भक्ति मार्ग में, राम को भगवान कह दिया, शंकर को भगवान कह दिया, तो जरूर सुप्रीम कोर्ट की प्रवेश पर रही होगी, तभी ने भगवान का गार्ड का टाइटल मिला। तो वो तीनों मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों जो मूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें सुप्रीम सोल की प्रवेशता नहीं है क्या? हाँ सुप्रीम सोल की प्रवेशता है, हाँ? लेकिन कर्म अलग अलग है। तो अभी बाबा बोल रहे कि वैष्णव शक्ति को ये नहीं कहेंगे सुप्रीम सोल की प्रवेशता होती है? अरे की प्रवेशता नहीं, जो प्रैक्टिकल कर्म त्रेसर जन्म में करके दिखा दिए होते, ब्रह्मा ने स्वयं शक्ति का पाठ त्रेसर जन्म में बजा के दिखा दिया होगा।
तो बाबा मेरी छोटी मम्मी बड़ी मम्मी हो, छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी और प्रजा पिता की पर्सनैलिटी आदि में जो त्रिमूर्ति निकली थी हाँ? तो अंत में भी निकलना चाहिए तीन मूर्ति। अरे क्या समझते हो, ऐसे ही थोड़ी रह जाएगी, वैसे ही जनता बन जाएगी। ये जीजी दादी होगा ही जनता बनेगा है? शंका है क्या? हाँ जीजी दादियों को तो शंका थी, इसलिए उन्होंने त्रिमूर्ति का बैनर छपा दिया। इन दादियों का बैनर छपाया ना, एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शंकर, तो संशय था ना। तो जो वैष्णव शक्ति है वो वैष्णव भी शक्ति है वो पुरुष में होनी चाहिए, मतलब आपको क्या हुआ? वैसे भी है विष्णु देवता है, उसे मुख्य पार्ट किसका है? राम और कृष्ण का। जैसे ऑल इंडिया में ऐसे यहाँ भी होगी? ऑल इंडिया में जब तक जहाँ जहाँ जिस एरिया में मिनी मधुबन नहीं बने थे तो मासिक संगठन होते थे, जब से मिनी मधुबन बन गया तो संडे संडे संगठन जो है वो मिनी मधुबन होते हैं। हाँ जी, हर संडे संडे जो संगठन होता है वो मिनी मधुबन में होता है, और इधर उधर संगठन करने की दरकार नहीं। कोई संगठन करने की दरकार नहीं है संडे संडे। हाँ जी, वो चेक समझा सब लोग टाइम रख ले, ये टाइम तो गलत हो गया। हाँ जी बाबा, हरदा वालों को दूर पड़ेगा तो उसे क्या आएगा? तीन घंटे से जो ज्यादा दूर है वो नहीं आए। तीन घंटे के अंदर है आना और जाना, वो आना जाना करे संगठन है। हाँ हाँ बिल्कुल, और उनको आने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, आपने गीता पाठ समझे या जहाँ संगठन कर रहे हैं उस करें। और बर्थडे इसकी देह का है कि आत्मा का है? पांच तक संगठन है हमारे यहाँ होशंगाबाद में, हर सप्ताह होता है गुरुवार गुरुवार क्या संगठन है, और महीने में जो एक होता था है वो जहाँ भी होता था करते थे है। अभी जैसे लेटेस्ट डिसीजन है कि हर संडे है, तो बाबा हर संडे यहाँ आना है, तीन घंटे का आना रहता है, है तीन घंटे आने में लगते हैं बाबा होशंगाबाद से यहाँ। तो हर संडे सभी माताओं को लेकर आना, और मतलब वहाँ पे जैसे गुरुवार गुरुवार हमारा शिफ्ट है, दो से चार संगठन होता ही है बाबा हर गुरुवार। तो हमारा ऐसा मतलब आने से पहले ये विचार था, केवल आपसे राय लेनी है कि जैसे तीन गुरुवार तुम वहाँ पे संगठन अटेंड कर लें बाबा, और एक संडे जो मन में आए तो करो। बता दिया, ऑल इंडिया में ऐसे चल रहा है, कोई संगठन नहीं रहता है जब मिनी मधुबन खुल जाता है, क्योंकि गीता पाठशालाओं में पुरुषों को अलग रहने का और स्त्रियों को अलग रहने का कोई प्रबंध नहीं होता निश्चित, और घपले होते हैं वो बाबा के पास शिकायत में आते हैं, उसके वातावरण खराब होता है। इसलिए मजबूरी में जब तक मिनी मधुबन नहीं है तब तक संगठन के क्लास करते रहे वो बात अलग रहेगी, लेकिन जब मिनी मधुबन खुल गया है और एक सेंट्रलाइजेशन हो गया है बुद्धि का, नाम भी उसका दिया है मधुबन, तो इकट्ठा होना अच्छा है। बाबा अगर पैसे की दिक्कत हो आर्थिक तो हैं, पैसे की दिक्कत हो आर्थिक, माता के पास पैसे नहीं होते बाबा, फिर माताओं के पास पैसे नहीं होते माताएं घर में काम नहीं करती है क्या? आजकल माताएं घर में काम नहीं करती हैं।
करती है क्या बात? बाबा जो लेकिन घर में रहती है हाँ तो कर ले। अगर घर वाले उनको पैसा नहीं देते तो ऊपर वाले ने हाथ पांव दिए साथ कर ले। थोड़ा और टाइम और क्लियर हो जाता 12 से 2 या 1 से 3 जो भी होता सबको पता चल जाता है। सुबह का बहन जी बता दें ठीक है 12 से 3 में कौन कौन हाथ उठाता है हाथ उठा दो 12 से 3 भाई लोग तो सब तैयार है ज्यादातर और माता है 12 से 3 नहीं बाबा चाहिए हम लोग लेकिन बहुत सारे तो हाथ ही नहीं उठाए वो कहते हैं 3 से 6 बजे का ही अच्छा है ताकि रात में 10 रुकने को मिल जाए। एक बहाना मिल जाए मैं तो रहे 12 बजे से 3 बजे तक लेकिन 3 बजे तक अच्छा है क्योंकि सब अपने घर तो पहुँच जाएंगे। 11 बजे से रख लो बारह तीन प्रत्येक संडे को जो आना चाहे स्वेच्छा से आ सकता है। हाँ जी